उत्तराखंड क्रिकेट टीम के सदस्य दीक्षांशु नेगी को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। उन्हें मुंबई इंडियंस टीम ने आईपीएल 14 के ट्रायल के लिए मुंबई बुलाया है। दीक्षांशु नेगी ऑलराउंडर के रूप में उत्तराखंड क्रिकेट टीम के साथ जुड़े हैं। वह उत्तराखंड टीम से जुड़ने से पहले सीजन 6 विख्यात केपीएल टी20 लीग का भी हिस्सा रहे और शानदार प्रदर्शन किया। मौजूदा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 5 मुकाबले दीक्षांशु के बल्ले से 152 रन निकले और उन्होंने 4 विकेट भी झटके। बता दें कि उनके अलावा उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कुणाल चंदेला को भी मुंबई इंडियंस ने ट्रायल के लिए बुलाया। दोनों ही बल्लेबाजों ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के पहले मुकाबले में बड़ौदा के खिलाफ शानदार पारी खेली थी। दीक्षांशु नेगी ने नाबाद 77 और चंदेला ने 48 रनों की पारी खेली थी। कोच दान सिंह कन्याल ने बताया कि आईपीएल 14 ट्रायल के संबंध में दीक्षांशु को मुंबई इंडियंस टीम प्रबंधन की ओर से उन्हें कॉल आया है। वह मंगलवार को मुंबई के लिए बड़ोदरा से रवाना होंगे। हल्द्वानी लाल डांट निवासी विजयपाल नेगी व मधु नेगी के बेटे दीक्षांशु शहर के उन खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने हर प्रतियोगिता में अपनी छाप छोड़ी है। राज्य को क्रिकेट मान्यता न मिलने से दीक्षांशु ने बेंगलुरु का रुख किया था और वहां अपने क्रिकेटर बनने का सपने को जिया। किसी भी खिलाड़ी के लिए दूसरे स्टेट से आकर पहचान बनाना मुश्किल होता है, लेकिन हल्द्वानी के बेटे ने अपने हुनर से उसे कर दिखाया। दीक्षांशु हल्द्वानी क्रिकेटर्स क्लब में ट्रेनिंग करते हैं। मुंबई इंडियंस से बुलावे के बाद कोच दान सिंह कन्याल ने कहा कि दीक्षांशु हमेशा से अपने गेम पर फोकस कर रहे हैं। पिछले सीजन में उसने रणजी ट्रॉफी में राज्य के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे। उसने दूसरे राज्यों में भी उत्तराखंड का नाम रोशन किया है।